नमस्ते किसान। अलग अलग तरह की कई सारी खेती होती है। ये एल्गी की खेती है। यस, काई। सरल भाषा में क्या कहेंगे? काई 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 हम जब तालाब बनाते हैं तो उसमें से काई हटाते हैं, और ये काई की खेती की जा रही है यहाँ पर। हम बलराम किसान हैं और आप एक किसान पाठशाला पर। अनेक तरह की खेती में एक काई की खेती भी शामिल है। एनिमल के लिए ये रेडी कर रहे हैं। हाँ, एनिमल। ओके। वैसे अंजलि, ये काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटीज़ भी इसकी रहती है। और फ्यूजीफॉर्म होता है, पैटेंसिस होता है, तो आई थिंक ये एनिमल फीड के लिए बना रहे हैं। ओके। मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर वेरी पॉइजनस। पॉइजनस। सिर्फ यही है जो डिनोलेला है, क्लोरेला है, ये दो तीन एल्गीज हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, जिसमें बीटा कैरोटीन वगैरह सारी चीज़ें निकलती है। कुछ एल्गीज ऐसी है जिसमें अपन पिगमेंट निकाल सकते हैं। वो इसका क्या क्या आप प्रोड्यूस क्या क्या बनाते हैं? जैसे एनिमल फीड का है, ये एनिमल फीड का है। इसमें इसको पहले ट्राई करेंगे पाउडर फॉर्म में इसको करके, और फिर इसमें एडिशनल कलर या एनिमल जो इसके साथ ऐड करेंगे उसका यूनिफॉर्म एक मिक्स बनेगा, जिसमें एल्गी कंटेंट प्लस दूसरा कोई ऐसा हो कंटेंट प्रोटीन जिसमें हो। जैसे अपन कुछ ऐसी चीज़ें आती है, जैसे खेजड़ी समी जिसकी जो लीव्स उसको ग्राइंड करके इसके साथ मिक्स करके और फिर एल्गी। तो इसकी आपकी प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे? ये तो आप अभी ये हार्वेस्ट कर रहे हो? यही ग्रो करते हैं, यहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग करते हैं ये। और ये एरिएशन प्लांट जो है, ये क्या कर रहा है? जो एरिएशन हो रहा है और ये जो पानी वहाँ जा रहा है, ये तो इसको क्या है, मूव करता है। मूव नहीं करेगा ना तो ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो आप, सप्लाई कर रहे हैं और उसमें CO2 ऑक्सीजन ट्रैप ना हो इसमें। डायरेक्ट सनलाइट जाएगा तो सेटल होगी, तो इसमें क्या लेयर ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसको ग्रो करने के लिए सनलाइट भी चाहिए बट ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। ओके। एरिएशन से कूल कर देता है, कूल कर देता है, रोटेट कर देता रहता है, जैसे सेटल ना हो ये नीचे, इसलिए रोटेटर चल रहा है। रोटेटर एजिटेटर कहते हैं। इसको ये इस तरह का बाइफर्केशन क्यों बनाया हुआ है? ये बीच में और उसका क्या बीच में इसलिए बनाया हुआ है? हाँ, जैसे वो आ रहा है और हाँ, ये रोटेड होगी, इस तरह से जा रहा है। हाँ, नहीं करेंगे ना तो वो एकदम मिक्स होगा, वो उतना एरिया घुमा पाएगा जितना मैं वो कर रहा हूँ। तो अब ये सारा कुछ पानी से मिक्स हो गया है? हाँ, ये मतलब ये अलग से नीचे का ही नहीं जमी हुई है, ये पानी के साथ मिक्स हो गया है। है। इसमें अपन माइक्रोस्कोप की करेंगे ना तो स्पाइरलों में स्पाइरल स्टेप में अपने को दिखेगा। तो इसको आपने वहाँ पे फिल्टर वो जो मसलिन क्लॉथ में डाल रहे हो आप? हाँ, वो माइक उसके जो पोर होते हैं बहुत होते हैं माइक्रोन्स में, तो वो क्या करता है स्पाइरलोना तो ऊपर रह जाता है, पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो ये फिल्टर कर रहे हो मसलिन क्लॉथ से, और अभी आपने जो बकेट में निकाला उसके बाद उसको ड्राइंग के लिए उसको क्लोज सर्किट में रहता है वो, ओपन सर्किट में हो नहीं सकता। अभी बना रहे हैं, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाँ शुरू तो कर ही दिया है बट वो पीछे सोलर के साथ में लगा है, छोटा सा है, वो PDR में कर रहे हैं, फोटो बायोरिएक्टर कर रहे हैं, तो वो क्लोज सर्किट है। अभी हम उसका क्या ट्रायल बेसिस कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर, क्योंकि फोटो बायोरिएक्टर में टेम्परेचर भागता है,
एलगी हम देख रहे हैं कितने टेम्परेचर तक वो सस्टेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, नहीं है तो फिर उसका एडिशनल फोगर वोगर लगाए जाए ताकि उसमें वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। वो चीज़ें उस पर अभी चल रही है। ड्राइंग अभी तो इसको तो डायरेक्ट सनलाइट में कर रहे हैं। अच्छा डायरेक्ट सनलाइट में। तो आपका वो प्रोसेसिंग कहाँ होता है जहाँ पे आप एनिमल चीज सब मिलाते हो, यहीं होता है या आप सप्लाई करते हो और फिर वो? नहीं नहीं, नहीं हम यहीं करते हैं। तो वो कहाँ हम देख सकते हैं? वो लैब में, वो तो है जैसे या तो वो एक बार क्या करते हैं सर्किट में लाते हैं, या जैसे ये पॉइंट क्लीन हो गया और ये अभी क्लीनिंग के लिए गया है, कल पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है तो इसकी सेवन डेज में क्लीनिंग करने पड़ेगी क्योंकि डस्ट वगैरह जो आती है ना वो नीचे इसमें। कई बार अमीबा भी आ जाता है तो उसका क्योंकि इसको बेसिकली हाईली बेस्ड नेचर में रखना पड़ता है, एसिडिक या न्यूट्रलाइज्ड नेचर में आते ही। जब आप प्लांट फीड के लिए देते हैं तो उसमें उसकी बेसिसिटी चेक करके देते हैं? सारी चेकिंग होती है उसकी, जैसे सैंपल आ जाएगा एक उससे पहले जितना, जैसे एक टन का सैंपल हो रहा है तो उसकी पहले मिक्सिंग होके उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए जाता है, वो टेस्टिंग होके रिपोर्ट आती है फिर पैक के बाद ही जाता है। तो उसमें वो सारे की कोई बैक्टीरिया मतलब एल्गी के अलावा कोई और बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म ना हो बेसिकली होता नहीं है ऐसा। उसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है, मतलब आपके पास कोई लैब है इस तरह की? नहीं नहीं, हम जयपुर भेजते हैं लैब में, थर्ड पार्टी एनालिसिस भेजते हैं। आज जैसे सैंपल भेजा कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। ओके थैंक यू। एक ही तरह की फार्मिंग नहीं है कि हम किसान हैं और केवल खेतों में किसानी करें, ये बेसिकली ये समझ लीजिए जो पढ़े लिखे इंडस्ट्रियल किसान हैं वो इस तरह की छोटे छोटे से पाव एकड़ आधा एकड़ दस घंटा में खेती करते हैं, ये जस्ट एल्गी की खेती है, काई की खेती है। और मैंने भारत के किसानों को समझाने के लिए ये बनाया है कि हम इस तरीके से भी 10 घंटा में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ओके तो समझना है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से हम किस पे काम कर सकते हैं। किसी एलगी को आपको सैंपल ले जाना पड़ेगा, जाओ जाओ तो ये पहले से कल्चर मदर कल्चर ले जाना पड़ेगा बेसिकली। बट अगर जैसे हमने बकेट में पहले बनाया तो कैसे वो पानी को स्टैग्नेंट छोड़ देते हैं कुछ समय के? नहीं, इसमें कुछ या कुछ ऐड करते हैं इसमें, इसमें कुछ डोजेस ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, जिससे एलगी फॉर्म होती है? हां, जैसे कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे NNO3 आ गया और NaHCO3 हो गया, अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली क्या करता है तो इसकी एल्गी प्लांट तो उसकी वो फूड ग्रोथ एनहांस करता है और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल वे में बनाया गया ये पूरा प्लांट, ये वेरी सिंपल ज़्यादा टीडियस नहीं है, जस्ट उन्होंने एक बेड्स बना दी है, एक पार्टीशन दे दिया है और एरिएशन के लिए जस्ट सिंपल प्रोसेस जिसमें कि पानी एरिएट हो रहा है, वेरी वेरी इकोनॉमिक। लेकिन मेन चीज क्या है कि टाइमली इसको जो करना है वो करना पड़ेगा, खर्चा और प्रोसेस स्लो है। यदि जैसे आपने अमीबा आ गया इसमें तो कंटामिनेट हो जाता है क्या पूरा आपका पूरा ही पूरा अमीबा को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया आप, खत्म कर देगा पूरा। कई बार तो आप कितने समय में एनालिसिस करते? लार्वा भी आ जाता है इसमें। क्या चीज आ जाती है? एफिड्रल लार्वा, लार्वी होती है वो आ जाती है। तो जैसे मॉस्किटो वगैरह ब्रीड नहीं करते इसमें? वैसे तो एरिएटेड है, मॉस्किटो इसमें ब्रीड नहीं करता क्योंकि एरिएटेड है इसलिए, अगर ये स्टैग्नेंट होता तो मॉस्किटो का लार्वी भी आ जाते हैं? नहीं आती मोस्टली इसमें, वो एक तो अमीबा आता है कंटामिनेशन के लिए, एक लार्वी आती है, लार्वी को यदि कई बार अपन निकाल के वो उसमें मुर्गी वगैरह को डालें ना तो उनके लिए वो फीड है, फीड है तो उल्टा सिस्टम निकाल सकते हैं यहाँ, इसको खराब कर देगा नहीं है हमारे पास क्योंकि यहाँ इतना वो है नहीं फार्मिंग, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। आप वैसे कितने रूटीन में चेक करते हैं, हर 15 दिन में एक बार? नहीं नहीं नहीं, ये तो पर डे इसकी चेकिंग डेली माइक्रोस्कोपी होती है कि इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी सेफ एंड साइज क्या हो रही है, ये स्ट्रेट हो रहा है, स्पाइरल हो रहा है, साइज डाउन रिड्यूस हो रही है, जो लंबी हो रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये आपका खुद का लैब है? मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट तो नहीं है, ठीक है जैसे जैसे एक माइक्रोस्कोप चाहिए वो माइक्रोस्कोप है, पर डे इसकी ओडी लेनी पड़ती है ऑप्टिकल लेंस। 10x 10x में आ जाता है या स्पेशल माइक्रोस्कोप से? नहीं नहीं 10x में आ जाता है, 10x है उससे ज़्यादा देखना 4x में देखते हैं, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी देखनी पड़ती है डेली।
डेंसिटी से तो ये पता चल जाता है कि ग्रो कितना फास्ट हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है। या फिर आज अपने हार्वेस्ट किया है तो डाइन से उसकी डेंसिटी 0.9 आई है सपोज, और अपन ने आज पूरा दिन हार्वेस्ट किया और शाम को अपन ली, 0.9 मेंटेन हो रही है, मतलब ग्रोइंग अपनी अच्छा है। डाउन कितना हो रहा है तो वो एक बार सुबह देखना पड़ेगा, फिर वापस कितना डाउन हो रहा है, ये चीज़ें है टेक्निकली। काफ़ी अच्छा बना रखा है छोटे से सिस्टम में। ओके, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है कि इसको टाइमली ड्राइंग नहीं किया तो स्मेल आ जाएगी। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो नहीं आ रही कोई स्मेल। और यदि इसको आपने ड्राई नहीं किया और थोड़ा खराब हुआ तो ये आपने 100 kg सपोज आज हार्वेस्ट किया तो आपको उसका 10% ड्राई मिलेगा। तो इसको आप कैसे ड्राई कैसे करते हैं, इस तरह की शीट्स में करते हैं? शीट है एक वो प्रोसेस, ड्राई करने की प्रोसेस पूरी है। डायरेक्ट सनलाइट में ये दूसरे तीसरे दिन एकदम ड्राई होता है। फिर सनलाइट में और कुछ चेंज नहीं होता, जैसे हम कुछ चीज़ों को मतलब सेड में करते हैं जैसे मोरिंगा या गुलाब या इनको, इसके लिए जैसे लार्ज स्केल पे अपन करें तो ड्रायर भी आते हैं। हाँ, ड्रायर आते हैं वो, तो फिर जाएं तो फिर ऑटोमाइज पे। आपका प्रोडक्शन कितना है पर डे का? यहाँ कल का है 74 kg। अप्रॉक्सीमेटली आप 70-80 टच कर रहे हैं? ये ड्राई का बोल रहे हो 74 kg? नहीं वेट। ओके, तो ड्राई में इसमें 7.5 kg पर स्क्वायर मीटर में 0.8 ग्राम के करीब आएगा। अच्छा, ओके, पर स्क्वायर मीटर में पर डे? पर डे। ओके, तो ये प्रोसेस रोज होता है? ये डेली है, जैसे कल उसको हार्वेस्ट किया आज इसको कर लेंगे, या कल दो किया तो दो ये कर देंगे। एक मेंटेनेंस पे रखा आपने? एक मेंटेनेंस पे रहता और है। पांच आप यूज कर रहे हैं? 6 यूज कर रहे हैं? 6 तो मतलब 7 है। 7 हां 6 यूज कर रहे हैं और इसमें एक क्लीनिंग पर्पस से रहता है, जैसे इसको क्लीन हो गया अगला नंबर इसका आएगा। एक मेंटेनेंस पे रखते हैं, मेंटेनेंस पे रखते हैं। 6 रनिंग में रहते हैं, 3 हार्वेस्ट होते हैं, 3 छोड़ते हैं, 3 हार्वेस्ट, 3 छोड़ते हैं। 1 तीसरे दिन, चौथे दिन? नहीं, दूसरे दिन हो जाता है ना, एक दिन छोड़कर 1, 2, 3 आज हार्वेस्ट हुए या 1, 2 हुए। हाँ। और एक जैसे 4 हो गया, 1, 2, 3 ये एवरेजन बोले हम तो एक स्क्वायर मीटर में 4 ग्राम हुआ पर डे का, मतलब एक दिन छोड़ करके 8 ग्राम हुआ ना, तो पर डे की हार्वेस्टिंग देखे तो 4 ग्राम हुआ एक स्क्वायर मीटर, मतलब 1 meter by 1 meter का। ओके, मतलब 10 square feet। ओके, कई बार कंटिन्यू में भी आ जाता है, जैसे ग्रो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो यहाँ किस सीजन में होती है वो? बेसिकली यहाँ जो टेम्परेचर सन वगैरह अच्छा इसमें है, पानी का पीएच और टीडीएस भी मायने रखेगा। जसवंत जी, पीएच टीडीएस भी मायने रखेगा पानी का? पीएच इसकी 0.9 से ऊपर अच्छा आता है। पीएच का क्या बता रहे थे? पीएच 9 से वो मेंटेन करते हैं इसको, बेसिक नेचर में रखना पड़ता है इसको, ग्रोइंग ये इसकी बेसिक नेचर। टीडीएस और TDS अप्रॉक्सीमेटली 6000 के करीब। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू जसवंत जी, वेलकम। थैंक यू अंजलि।